बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपको अपने चैनल स्टिच विद नौरीन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये बहुत इजी और सिंपल डिज़ाइन सिखाऊंगी, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने जो है ये सिल्क का पीस ली है, जिसकी चौड़ाई जो है ये 3 इंच है, ठीक है। और जो लंबाई है वो मैंने बाजू के अकॉर्डिंग ली है। ये मेरा जो है बाजू आगे से 16 इंच है, तो मैंने 2 इंच जो है वो ये एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। ये 18 इंच का ये पीस लिया है, और मैंने ये स्क्वायर पीस के लिए ये 2 इंच का ये स्क्वायर पीस लिया है, ठीक है। पिंक वाला मेरा 2 इंच वाला स्क्वायर है, और जो ग्रीन वाला जो पीस है ये मेरे 2.5 इंच का, ठीक है। तो ये मैंने 6-6 पीस लिए हैं, और ये मैंने इस तरह ही ये गोटे की बनी हुई ये फूल है, ये मैंने 5 ली है। तो चलें अब जो है सबसे पहले मैं डिज़ाइन शुरू करती हूँ। ये मैंने जो सिल्क का पीस है इसे मैं इस तरह करके आयरन करके ऐसे डबल कर लूँगी, ठीक है। डबल करके ऐसे प्रेस कर लूँगी, ऐसे डबल कर लिया। और अब ये इस सेंटर का इसका मैं ऐसे करके ऐसे सेंटर का निशान छोटा सा लगा लूँगी इस तरफ जो ओपन साइड है, ठीक है। और इसी तरह मैं बाजू का भी सेंटर का निशान लगा लिया। इसे हम एक तरफ कर लेंगे, और उसके बाद ये जो मैंने स्क्वायर पीस लिए हैं इनको मैं इस तरह करके इनको ट्रायंगल शेप में बना लूंगी। ये बहुत ही ईजी और सिंपल डिज़ाइन है। ये आप ईद के सूट पे आप बड़ी इजीली अपने सूट को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने स्लीव्स को, अपने दामन को, अपनी कैप्री को। और ये उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से आप अपना सूट जो है वो डिज़ाइन कर लेंगे। ये देखें इस तरह करके ये सबको मैंने इसी तरह प्रेस कर लेना है। हमें जो लॉन कॉटन का पीस है उसे इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो सिल्क कपड़ा हो उसको हमें प्रेस करना लाजमी पड़ता है, ठीक है, ताकि वो हमारे पास जो है सिलाई करते हुए स्लिप ना हो। इसी तरह ये मैं सारे पीसेस को कर लूँगी। ये देखें अब मैंने इसको ये जो मैंने पट्टी ली थी इसको मैंने ऐसे डबल करके और ये से 1 इंच जगह छोड़ते हुए साइडों पे सिलाई कर लिए। 1 इंच के बाद हम अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। पहले हम ग्रीन वाला ट्राइंगल लेंगे, फिर उसके ऊपर पिंक वाला इस तरह करके रखेंगे, ठीक है। और फिर ये ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम ये फूल है इसको आधे को जो है वो ऐसे अंदर लेंगे और आधे को इस तरह सिलाई लेंगे। एक हम ये ट्रायंगल लगाते जाएंगे और एक फूल इस तरह करके ये स्टेप बाय स्टेप हम लगाते जाएंगे। अब ये इस तरह करके मैं इसको सीधी साइड ऊपर रखी और इसे उल्टी साइड और इस तरह आप सिलाई लगा दूंगी। अब ये मैं ऐसे करके इसे सिलाई लगा दूंगी। ये है स्लीव डिजाइन। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत इजी वीडियो है और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको लगाना बताया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।